देखो बच्चों, ये हमारा कहानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स ऑफ लीक रजिस्टेंसेज की चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें हमको बताना है कि सेकंड जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप इसके पहले वाला वीडियो उठा करके खोल करके देखिए और उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि सपोज करिए एक ये जो है आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, दूसरा ये दू रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस और मैंने जोड़ दिया, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। इसको हमने सेल या बैटरी से देखिए कनेक्ट कर दिया, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ऐसा देखिए मैं बार बार आपसे कहूंगा बेटा कि जो है ऐसा मत सोचिएगा कि ये तीनों रजिस्टर्स जो है, आप मेरे कहने का मतलब सपोज करिए दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर थ्री, ये तीनों रजिस्टर्स जो है, रजिस्टर्स या रजिस्टेंस दोनों सेम होता है, ये तीनों रजिस्टेंस जो है ये दिखाई दे रहा है पैरेलल। ऐसा कुछ नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पहचानने के लिए पिछले वीडियो में भी मैं बताया था, यहां भी बता दूं। सपोज करिए यहां से 10 एम्पियर का करंट चला, 10 एम्पियर का करंट देखिए यहां पर टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस से जो भी करंट जाएगा, इस रेजिस्टेंस से करंट वह नहीं जाएगा, उससे कम या अधिक जा सकता है, मतलब करंट डिफरेंट होगा, इससे और डिफरेंट होगा। तो जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जहां हो, जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये विशेष जो है ध्यान दीजिए, यही डिफरेंस, सीरीज में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता बट पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जहां भी देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो वहां पर आपको रेजिस्टेंसेज को क्या मानना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी। तो इसमें भी देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़े हैं कि व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसमें भी व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम लोगों को इसके भी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान देने की जरूरत है कि उसमें हमने कहा था, वहां पर हमने कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो होता है, तो यहां जो करंट जो होगा चलिए पूरा लिखा जाए, करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, करंट जो है डिफरेंट होगा, सारे रजिस्टर्स में जो करंट की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ करंट जो होगा डिफरेंट होगा। इट मींस यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए जैसे यहां से 10 एम्पियर का करंट जो है फ्लो हुआ, कुछ इधर गया, फिर यहां से यहां फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, बट यहां फिर इधर 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 इधर, तो यहां पर फिर वो जो है यहां 10 एम्पियर हो जा रहा है और यहां भी आपका करंट का वैल्यू 10 एम्पियर हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, वी कैन राइट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, बट इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसमें पीडी डिफरेंट होता है, लेकिन यहां पर पीडी विल बी सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन,
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की पीडी विल बी सेम, इस पर सवाल लगेगा आपका, इसलिए इस बात को यहाँ माइंड में पूरा अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पीडी सेम होता है, इस पर आप कई सवाल लगा लेंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बात को जो है, ये दूसरा जो है पीडी विल बी सेम। देखिए अपोजिट है, सीरीज कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। तीसरा जो है वहां पर सिंगल पाथ था, बट देयर इज डिफरेंट पार्ट, देयर इज, तो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंट पाथ। देखिए यहां वहां में सेम नहीं चल रहा है, वहां करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, यहां पर बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को समझिए। देखिए फोर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के वजह से ही डिफरेंट जो है वैल्यू ऑफ करंट जो है डिफरेंट होता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग सेम है। चलिए फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, देयर इज ऑलवेज जंक्शन। देखिए सिंगल पाथ वहां होता है और यहां जंक्शन होता है, यहां क्या होता है जंक्शन होता है, तो ऑलवेज जंक्शन। वेरी इजी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। देखिए अब मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को ध्यान दीजिए, ये जरा फिगर देखिए, ये जो है फिगर को देखिए, ऐसा है कि यहां पर आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, उस केस में भी इज इक्वल टू भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री था, और मैंने भी वन भी टू भी थ्री का फॉर्मूला लगाया था। यहां भी मैं वही काम करूंगा कि देखिए आई वन इज इक्वल टू, देखिए भी इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर। तो देखिए यहां पर पीडी सेम है, तो यहां पर आई वन आर वन हो जाएगा, तो आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू V बाई आर वन, तो आई वन इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर वन। सेम आई टू इज इक्वल टू V बाई आर टू। I3 इज इक्वल टू V बाई आर थ्री। This is equation number 3, This is equation number 2, This is equation number 1। अब 1, 2, 3 को ऐड कर दीजिए, तो जब ऐड करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। वेरी वेरी इजी। देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं I। अच्छा यहां पर बेटा मैं बार बार आपसे कहूंगा V कॉमन ले लीजिए, V क्या कर लीजिए कॉमन, तो जब V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बस अच्छा इस V को इसके नीचे लाइए तो I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरा देखिए V इज इक्वल टू IR आप पढ़ चुके हैं, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाता है। हम चाहते हैं 1 अपॉन R लिखना, तो 1 अपॉन R इसको रिवर्स करना, ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा रिवर्स, तो यहां पर हो जाएगा I अपॉन V। देखिए वेरी वेरी इजी, वेरी इजी।
तो इट मीन्स वन अपॉन आर इज इक्वल टू आई अपॉन भी, यहां देखिए आई अपॉन भी आया है, तो इसके जगह पर वन अपॉन आर लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये क्या है, फार्मूला है। तो मैं फिर एक बार जो है इसको बता देता हूं दो मिनट के अंदर। देखिए यहां पर करेंट विल बी डिफरेंट, तो सो आई विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आई के लिए फार्मूला लिखिए, वहां वी वन के लिए फार्मूला लिखा गया था, तो आई वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन, आई टू इज इक्वल टू वी अपॉन आर टू, आई थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन आर थ्री। तीनों को ऐड कर दिया मैं, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। आई जो है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री के जगह पर आई लिख दिया, तो वी कॉमन ले लिया, तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। भी को मैं नीचे ला दिया आई के, तो आई अपान भी इज इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ आई अपान भी, आई अपान भी, देखिए यहाँ आई अपान भी के जगह पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपान आर, क्या लिख सकते हैं, वन अपान आर। तो यहाँ पर मैंने आई अपान भी के जगह पर वन अपान आर लिख दिया, तो वन अपान आर इज इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री था, यहां पर थोड़ा सा रेसिप्रोकल हो गया। लेकिन एक बात और बता मैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल हुआ है और आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तीनों का रेसिप्रोकल हुआ है। तो कुल मिला जुला करके ये जो आपने प्रॉपर्टी देखा, इसमें अगला प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, अगला प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, मैं इसी से लिख रहा हूं, विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस दिस इज योर अदर प्रॉपर्टी। कुछ मैंने नहीं लिखा, मैंने यह लिखा कि जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस तो इसको आप लोग अपने देखिए, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं, ये समझिए, समझने का चीज है, और उसके बाद अपने से इसको लिख दीजिए। समझ तो गए। अच्छा अब मैं इसके बारे में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रॉपर्टी है, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए सपोज करिए
सपोज कर किए आर वन की वैल्यू 2 ओम है और आर टू की वैल्यू जो है 3 ओम है और आर थ्री की वैल्यू सपोज करिए 5 ओम है, सपोज करिए 5 ओम। अब हम क्या किए हैं कि जरा देखिए, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/5। तो 1/R = एलसीएम क्या हो गया 30, तो देखिए ये 15 हो जाएगा और ये जो है आपका 10 और ये जो है +6। तो यहां पर 1/R = देखिए ये एलसीएम लेकर के फ्रैक्शन लगाया गया है, इसमें आपको मतलब तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 1/R = 31/30, 31/30, तो R = 30/31। ये देखिए इससे जब कटेगा तो नियर अबाउट, सपोज करिए चलिए हम इसको 1 मान ले, क्या मान ले 1 से कम आएगा, 0.98 के नियर अबाउट आएगा। चलिए हमने कहा कि 1 मान लीजिए, चलिए तो ये देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नियर अबाउट 1 आया और जो रेजिस्टेंस से जुड़े हैं पैरेलल में वो 2 ओम 3 ओम 5 ओम, तो इसका मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हमने नियर अबाउट 1 माना है। तो देखिए जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आता है, देखिए वहां और यहां में डिफरेंट हो गया, वहां सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो था उससे भी अधिक आता था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे जो बड़ा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस था उससे भी अधिक आता था, लेकिन यहां यहां ठीक रिवर्स। तो हर चीज रिवर्स है, हर आइटम रिवर्स है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट है उससे भी कम वैल्यू जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आता है। तो मैं आपको ये सारी चीजें दिखा दिया, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बनेगी दैट विल बी इक्विवेलेंट, वेरी इजी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be less than minimum value of resistance connected in parallel combination। अब देखिए कोई दिक्कत हो, देखिए लैंग्वेज आप अपने से बना के लिख लीजिए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपके जो भी कॉम्बिनेशन में जो मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टेंस है उससे भी कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। तो हमने वही लिखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, उससे भी कम होता है। तो ये है कहानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की। तो हम चाहेंगे कि एक बार कैरेक्टरिस्टिक बस इसको एक बार और बता दिया जाए, पीडी विल बी सेम डिफरेंट पाथ, पीडी विल वैल्यू ऑफ करेंट विल बी डिफरेंट, पीडी विल बी सेम डिफरेंट पाथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट, और यहां पर ऑलवेज जंक्शन
यहाँ जंक्शन होगा, जरूर जंक्शन होगा, उसमें जंक्शन नहीं होगा, इसमें जंक्शन होगा। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बार बार वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। अच्छा, ये जो नेक्स्ट कैरेक्टर है इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो कॉम्बिनेशन में जितना सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उससे भी लेस होगा। बस तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बात को समझिए। बस एक चीज और मैं यहां पर बस थोड़ा सा दो मिनट और बताऊंगा। देखिए, हम लोग ये सारी चीजें जान गए कि आखिर में जो अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में कंबाइंड हो तो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर पैरेलल में कंबाइंड हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर सपोज करिए कि सिर्फ दो रेजिस्टेंस आप आर वन और आर टू जुड़े हो पैरेलल में, मान लीजिए दो रेजिस्टेंस जो है ऐसे जुड़े हो, तो इसका मतलब वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू होगा। अच्छा, तो वन अपॉन आर इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, आर वन इंटू आर टू एलसीएम हो गया, यहां पर आर वन कैंसिल तो आ जाएगा आर टू प्लस यहां आर टू कैंसिल तो आर वन, इसको क्या कर दीजिए अपोजिट कर दीजिए तो R इज इक्वल टू तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, उल्टा करो भाई R1 R2 अपान यहां पर भी R1 प्लस R2। तो अगर दो रेजिस्टेंस सिर्फ जुड़े हो, सिर्फ दो रेजिस्टेंस का सवाल हो तो फ्रैक्शन में लगाने की जरूरत नहीं है। बस मेरा इतना ही कहना है, तो आपको फ्रैक्शन में लगाने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए, देखिए 6 ओम और 3 ओम के दो रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पर ये 6 ओम है यहाँ पर ये 3 ओम है, तो आप 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3 नौ करके आप R इज इक्वल टू 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 कर देंगे तो भी ये हो जाएगा 18 अपॉन 9 दैट इज 2 ओम दैट इज 2 ओम। तो ये आप ऐसे डायरेक्ट भी कुछ नहीं है, दोनों सेम आएगा, बट ये है कि ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। सपोज करिए बस एक और सपोज करिए फाइव ओम के दो रेजिस्टेंस है तो बस पैरेलल में, तो आर इज इक्वल टू फोर इंटू फाइव प्लस या अपॉन फोर प्लस फाइव दैट इज योर 20 अपॉन फाइव 20 अपॉन 9 तो 2 point something। तो मेरा बार बार आपसे कहना है कि आप इसको तुरंत जो है कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में लगाएंगे तो आपका आधा मिनट ज्यादा लगेगा। बस इससे ज्यादा हमको फिलहाल अगले वीडियो में बताना है। इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम इस बात को सारे बात को बताएंगे। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हुआ। हाँ, एक बात बता दें, जब मैं कहानी करंट की पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि जो है अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो अगले पार्ट में, अगले वीडियो में अमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है वो आपको बताया गया है, पूरा डिटेल में बताया गया है। उस वीडियो को देखिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। धन्यवाद।